बड़ी खबर और क्या ये बड़ी संभावना महायुद्ध की। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट किया है और दावा करते हुए ये एक वीडियो भी जारी किया गया। दावे के मुताबिक उसने इजरायली मिलिट्री बेस नेवाटिन को टारगेट किया। दूसरा टारगेट हाजरिम और तीसरा टारगेट तेल नोफ बेस बताया जा रहा है। इसराइल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि फिलहाल 90% यानी जो हमला उनका हुआ उसमें से 90% ने सफलता हासिल की है, लेकिन अभी तक इसराइल की तरफ से बताया जा रहा है दोनों जख्मी जरूर हुए हैं। लेकिन एक चेतावनी भी इसराइल की तरफ से जारी कर दी गई है, सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये भी याद रख लीजिए कि ईरान ने ये पहली बार हमला नहीं किया, अप्रैल में भी ऐसा ही हमला किया था, लेकिन वो इस बार का जो हमला है वो उससे ज्यादा बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। ये दूसरा बड़ा हमला अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, हालांकि उस समय इजरायली सेना के अधिकारियों ने कहा कि ईरान के ये हमले अब थम गए हैं और अभी कोई खतरा नहीं है। फिलहाल आपको बता दें एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें भी यानी इसराइल को नुकसान हुआ है। उन मिलिट्री बेस पर यह हमले का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन अब इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा। इसराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लेबनान पर भी हमले किए जा रहे हैं और आगे भी हमले की चेतावनी दे दी गई है। ऐसे में इसराइल का अगला मूव यानी अब आगे इसराइल क्या करने वाला है ये भी देखना होगा।